इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। एक बार त्रेता युग में याज्ञवल्क जी महाराज जो कथा भरद्वाज जी को सुना रहे हैं कि त्रेता युग में एक बार भूत भावन भगवान शिव उत्तर से दक्षिण की ओर अगस्त महाराज के आश्रम कथा सुनने पधारे। कथा प्रारंभ करने के पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपको जितनी देर बैठना है, आधा घंटा, एक घंटा, दस मिनट, दो घंटा, कथा सुनने के लिए बैठे, मोबाइल चेक करने के लिए न बैठे, जितनी देर आप बैठ सकते हैं। व्यवस्था में जो लगे हैं उनके लिए तो कोई मर्यादा नहीं है, कोई आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, कोई रुक गया है, परंतु जो श्रोता बन के बैठा है कृपा करके इतनी देर जितनी देर आप बैठ सकते हो कुछ श्रद्धा से सुनेंगे तो जीवन में उतरेगा, नहीं तो फिर बैठेंगे भी और उपस्थित नहीं रहेंगे। तो जीवन में प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड से कुछ मिलना नहीं, जहां रहेंगे वहां रहा जाए, नहीं 100 तो 80 रहा जाए, 75 रहा जाए, जहां रहे वहां रहने का अभ्यास करें, जीवन आनंद में रहे। कथा में तो कथा में, परिवार में तो परिवार में, मुझे दंड कमंडल लेके सब जगह न रहा जाए, प्लीज टेक केयर। तो कलिया हम सुनाए थे भोजपुरी में आधी कथा, फिर वही ट्रिक में हम जाए। जीवन में कौनों परमार्थ करे के बाद तो पति पत्नी दोनों के करे के चाहिए। कल हमारी बहुरानी नहीं आई थी तो इनकी माताजी ने कानपुर से पूछा, क्यों बहू जी नहीं पहुंची? हमने कहा बहू जी हमारी मिनिस्टर है, कहीं कार्यक्रम लगा होगा, उससे मैं फंस गई होंगी। हाँ, माँ का फोन है, उन्होंने पूछा, हमने बता दिया कल वो आएंगी। हम अकेले कभी कोई कार्यक्रम नहीं करते, सिद्ध पीठों का दर्शन भी नहीं करते, बहू जी नहीं होती है, बारे से प्रणाम करके चले आते। जब वो रहती हैं तभी हम सिद्ध पीठ में जाते हैं, हम विश्वनाथ जी भी दर्शन बारे से कर लेते हैं, जब आइए तब जाए। गृहस्थ आश्रम को ठीक से जीने की आदत डालें हम। अरे बाबा सीढ़ी बनवाओ, कल 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 गिरी जाते तो बाबा देखिए, हम अपनी ओर से नहीं कथा कर रहे हैं, बाबा संग सती जग जननी भवानी इसलिए पूजे ऋषि अखिलेश्वर क्या। मनुजी महाराज स्मृति में कहते हैं कि धरती पर चारों आश्रम में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास सबसे धन्य गृहस्थ आश्रम है, धन्यो गृहस्थ आश्रम। धन्य है, धन्य बा, धन्य रहे के चाहिए, तो किस लिए है? संग के कारण, सहना भवतु, साथ साथ के कारण। और देखिए सनातन धर्म है, ये पाश्चात्य धर्म, पाश्चात्य सभ्यता नहीं है, यहां जितनी निष्ठा है उतनी प्रतिष्ठा है। आश्चर्य नहीं है, ये यथार्थ है। क्या बैठल माने जा हमने के घर में लाइव नहीं, उमेश जी चल रहा है, चले दो कलिया को फोन, आज सबरमा को फोन आया, कहें आपने बलिया की बहुत प्रशंसा की, हमने कहा हम थोड़ी कह रहे हैं, इतिहासकार भी कर गए, पूरा गजेटियर करता है भारत का, हम नहीं कुछ करते। यथार्थ यही है, ये बात अलग है। हमारे माननीय मंत्री श्रीमान राधारी सिंह जी भी बैठे हैं, वो हमारे रिश्ते में मामा लगते हैं। बलिया के लोगों ने जैसा बलिया का विकास होना चाहिए किसी राजनेता ने नहीं किया, जैसा होना चाहिए। बलिया निकलना हो आपको तो हम तो जब आते हैं भूला जाते हैं, हे पुल से उतर के कहां जाए कबा। एक स्टेट है सूरत,
गुजरात, वहां सूरत में 250 पुल शहर के ऊपर बने, हैराएंगे कहीं नहीं आप। सब जगह रिमार्क लगा है, कहां से मुड़िएगा कहां निकलिएगा, कहां से मुड़िएगा कहां निकलिएगा। ये बलिया कभी मंत्री पद से खाली नहीं रहा, लेकिन ना जाने लोग का कोइल आखिर ना कोइल है, पूरा बलिया को इन लोगों ने मुश्किल बना के धर दिया। हाँ, कोना में कचहरी बा, दाढ़ी के नीचे बस स्टैंड बा, ऊपर चढ़ जा रेलवे फाटक पर जाम लग जा, दिन भर ट्रेनें छूट जाए। तो हाँ, बलिया आते हैं तो डराते डराते आते हैं, कैसे जाएंगे क्या करेंगे, बिना जाम के निकल ही नहीं सकते आप लाला। कभी हमारो कोनो चेला बन गया ठीक से तो बलिया को हम सजा के रख देंगे। हम आए आए हम अभी जयशंकर जी को बोले थे कि यार ये अभी ये रोड जो है 5 साल से बना था बांसडी वाला, के बनावता? बोले बाबा चुप रही जे बनावता। एक काम शुरू होता है समाप्त नहीं होता है, न जाने क्या है। भगवान से मेरी प्रार्थना है कि बैठल बने गद्दी पर हमारो सुनने सुने तो करी बात हुई। फिर हम तभी लौटेंगे कथा सुनाने जब बलिया के चारों ओर छतरी बनने की स्थिति आ जाएगी। इतने पुल बनना चाहिए हनुमानगंज से कि सीधे राजधानी रोड निकले, बाहर वाले आउटर रिंग रोड से निकले, इधर आने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन भगवान बचावे भैया, ओहो बड़ी कृपा है। तो ये मेरी प्रार्थना है भृगु बाबा से, नागा बाबा से कि कृपा बरसे, आयल बहनी कथा सुनावे। अब देखो घर के बाद में हमारा कुल भूला जाला, एकदम स्वरूपे भूला जाला हमारा, हाँ कुछ याद नहीं रहला। बलिया जिस प्रकार बलिया की कीर्ति है उसी प्रकार आवे यहाँ आदमी तो चारों ओर सुगंध फैलना चाहिए। साहब बलिया गए थे आनंद आ गया। थोड़ा विस्तार हो चारों ओर, कुछ दिखाई पड़े कि हम बलिया गए थे तो कुछ देख के आए। कुछ दिखते नहीं है, कोई नई रचने नहीं दिखती है। जौन चौराहा मिले तो वही जगह मूर्ति ठोक दो, हो गिल का। अरे भाई बाहर निकलो, डेकोरेट करो इसको। अयोध्या जी में रामार्चन मंदिर बन रहा है, आप आएंगे 3 साल बाद इनोग्रेट करेंगे ठाकुर जी, आप आएंगे हैरा जाएंगे आप। छोटा काम करने की जरूरत थी क्या जी, उससे अच्छा न करो। बगल में छोटा सा जिला है मऊ, कल्पनाथ जी थे, क्या बात है, जिधर ही मिला उधर ही पुल ठोक दिया, कोई मऊ में जाने की जरूरत ही नहीं, बन गया। लेकिन ये बलिया साहब, भगवान कृपा करे गद्दी पर बैठल बानी हमरो सुने हमहू सुनब। आप सबसे प्रार्थना बा, इसी भाव में आप भृगु जी के दर्शन करिए, गंगा जी के दर्शन करिए, दिखे बने कहे संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश वरदान। विश्व के स्वामी आए हैं, विश्वनाथ आए हैं, पूजन किए पूछे प्रभु आपने ऐसी कृपा कभी नहीं करी, कही कारण? शिव बाबा बोले महाराज हम कथा सुनने आए। अच्छा कथा उत्तर से दक्षिण? ले हाँ बैठिए। नहीं नहीं पूजन हो गया, आप ऊपर बैठिए, हम नीचे बैठे। ऊपर बैठे, बोले बाबा माँ के साथ नीचे बैठे, कथा सुनाए नवदिन कथा भाई। जब विदा होने लगे तो भोले बाबा ने कहा हे ऋषिवर आपको दक्षिणा क्या दें? बोले मुझे राम भक्ति प्रदान करें। कही अधिकारी दंडकारण्य में आगे चलते ही भगवान का दर्शन हुआ, भगवान ने लीला विहार आगे बढ़ा लिया और मां के मन में भ्रम पैदा हो गया। फिर मां भगवान की परीक्षा लेने चली गई, परीक्षा में मां ने सीता मां का वेश बना लिया। मां का कुछ नहीं है, सब रामलीला है। मां ने सीता मां का वेश बनाया, भगवान को तो सब पता ही है साहब, कोई किसी वेश में रहे आपन तो पते चलता है।
भगवान ने स्वरूप का दिव्य दर्शन कराया। भोले बाबा के पास गई, बाबा ने पूछा लीन परीक्षा कवन विधि कहो सत्य सब बात। जो माया का वेश धारण किया था माने माया ने आसन जमाया और मैया बोली कुछ न परीक्षा लीन को साई कीन्हीं प्रणाम तुम्हारी ही नाई तब शंकर देखे उधर ध्यान सती जो कीन चरित्र सब जाना चरित्र जान गए तब बाबा एही तन भक्ति ही भेंट पत्नी स्वरूप में भेंट नहीं होगी। बाबा ने संकल्प लिया कैलाश पधारे मां सेवा में 87,000 वर्ष तक शिवजी समाधि में बैठे रहे। समाधि टूटी बाहर आए राम नाम सुमरण की मां पास गई बाबा ने आसन दिया बैठाए कथा सुनाने लगे लगे कहन हरि कथा रसाला प्रजापति ने भगवान बहुत बावन के अपमान के लिए एक यज्ञ ठान लिया कि सत्कर्म के अनुष्ठान भगवत अनुष्ठान पुण्य वर्धन के लिए भगवत प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, किसी का अपमान करने के लिए नहीं होना चाहिए, सम्मान वर्धन के लिए होना चाहिए। दक्ष प्रजापति ने पति ने जो अनुष्ठान ठाना उसमें शिव जी को छोड़कर सबको शिव जी भगवान विष्णु सबको बुलाया इनको नहीं बुलाया, क्यों दोनों एक गए। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।